हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप मेरे साथ देखो टेक विद सुमित। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ रेडमी 5A में क्या गुड न्यूज़ और क्या बैड न्यूज़ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि हमारे चैनल पे गिव अवे कॉन्टेस्ट होने वाला है और उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और मैं आपको जल्दी बताऊँगा कि वो गिव अवे जो कॉन्टेस्ट होगा वो कब होगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ रेडमी 5 में क्या गुड न्यूज़ है और क्या बैड न्यूज़ है। तो दोस्तों, पहले तो बात कर लेते हैं जो गुड न्यूज़ है वो क्या है। गुड न्यूज़ जो है कि वो आज से लेके 3 या 4 दिनों के बाद जो कि MIUI 10 का अपडेट आने वाला है रेडमी 5 में। उसके बाद क्या है, उसके साथ आपको कोई एक नया कुछ नए नए आपको वो देखने को मिलेंगे फीचर्स से, और क्या फिर होंगे वो बताता हूँ। फीचर्स तो गाइज आपको पता है कि MIUI 10 के साथ आपको क्या क्या वो मिलेगा, वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हो। तो क्या गुड न्यूज़ है वो बता देता हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि MIUI 10 आपको मिलने वाला है कुछ ही दिनों में, 5-6 दिनों में, या फिर आपको 7 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में आपको कभी भी MIUI 10 का अपडेट मिल सकता है। तो उसके बाद क्या है, उसके साथ आपको क्या मिलेगा, उसके साथ आपको साथ में AI पोर्ट्रेट का मोड मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी मेरी अगली वीडियो। ओरियो का अपडेट तो फाइनल है क्योंकि आपको ओरियो का अपडेट मिलेगा, आप ये लिस्ट देख सकते हो, उसमें ओरियो का अपडेट लिखा है। अगर आपको अभी ये ओरियो का अपडेट नहीं मिला है तो फाइनली बाद में आपको मिल ही जाएगा। तो फुल स्क्रीन गेस्चर आपको नहीं मिलने वाला है, और जो साथ के साथ है आपको फुल स्क्रीन गेस्चर तो नहीं मिलेगा, ऑडियो का अपडेट मिलेगा सिर्फ अभी। और जो बाकी के जो फीचर है AI पोर्ट्रेट, उसके लिए आपको मेरी अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अगली वीडियो के लिए आप बने रहिए क्योंकि अगली वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी कल सुबह 9:30 बजे। तो थोड़े से दिन का और वेट कर लीजिए, और जिनके फ़ोन में कोई और प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि अगर उनका फ़ोन जो है थोड़ा थोड़ा सही नहीं चल रहा है, उसके साथ क्या है मतलब बैटरी ड्रेन हो रही है और काफ़ी कुछ हो रहा है जैसे कि कहीं हो रहा है, तो उसके लिए जो है सॉफ्टवेयर में थोड़े थोड़े बग्स होते हैं। वो जो बग्स हैं वो थोड़े दिनों में रिपेयर आपके जो है सही हो जाएंगे जब MIUI 10 का अपडेट आएगा। इसके अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिए ताकि हम आपको आने वाले अपडेट के बारे में बताएँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है। नीचे कमेंट्स कर दीजिए, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो रेडमी 5 में क्या जो बैड न्यूज़ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या बैड न्यूज़ है, क्या आपको क्या नहीं मिलेगा आपको फीचर इसमें। तो जैसे AI पोर्ट्रेट मोड तो आपको मिलेगा इसमें, और यो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है गाइज। और जो AI पोर्ट्रेट है वो भी बता चुका हूँ, वो आपको मिलेगा, ये लिस्ट देख सकती हो आपकी जिस जो लिस्ट में दी गई है कि आपको AI पोर्ट्रेट का मोड मिलेगा। उसमें क्या लिखा है कि दो दो बारी रेडमी 5 का नाम लिखा है, एक में रेडमी 5A होगा, दूसरे में रेडमी 5 होगा। तो घबराने की बात नहीं है, अगर नहीं आने वाला, नहीं आएगा, तब भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या अपडेट आएगा या क्या नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएँ। धन्यवाद।